खूबसूरत नजारे हैं, खूबसूरत सी गोल्डन फिश। ओ कुंडा वा मेरा, ओ तेरी ओ कुंडिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मंडे है, मैंने छुट्टी ली हुई है और बच्चों के साथ थोड़ी वॉकिंग के लिए, वॉक के लिए ट्रैक है वहाँ पे आए हुए हैं। खूबसूरत नज़ारे हैं, ये पहाड़ों के बीच में ट्रैक है, बच्चों के लिए भी हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए खेलने का, और उसके अलावा हम वॉक कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये ट्रैक है, किलोमीटर्स के हिसाब से पहाड़ियों के बीच में है, ये हमारे घर के बिल्कुल पास तक जाता है। ये देखिए जी, पहाड़ी के ऊपर जंगलात हैं और ये बीच में हाइकिंग ट्रैक या वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं। चल चल के आप थक जाओगे, बीच में ये झीलें बनी हुई हैं कुदरती पानी के साथ। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा पार्टी की थी एक दफ़ा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। जारून फारिस जाओ इसके अंदर, अरुण हियर 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 हियर। लड़के क्या कर रहे हो, मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसको। जारून आप भी छोड़ दो। अच्छा जी, ये हमारे नेबर्स हैं, वो एक्चुअली जा रहे हैं हॉलिडे पे क्रोएशिया 10-12 दिन के लिए, तो अपना फिश टैंक रख के गए हैं यहाँ पे। और ये देखिए, अगर आपको नजर आ रही हो खूबसूरत सी गोल्डन फिश, फिश जारून, सेट फिश। लड़का तो बहुत खुश है जी, इश इश बोल रहा है, इश। और इधर हमारी पक रही है देसी रोटियां, है देसी आटे की रोटियां, इतने देसी आटा भी बड़ी बड़ी नेमत। फुल काले बदल चढ़े ने तो ठंड हुई, जुलाई थी आज, कितनी तारीख, बहुत तेरी हुए पकोते, तू कि आ गए। ये देखो दरवाजा खोल के खुद ही आ गया ये टारजन, किधर जा रहा तू, ओ भाई चल अंदर, चल अंदर। ओ फारस उतर जा यार नीचे, तेरी मेहरबानी।
चौधरी आ फारस अली, फारस नीचे उतर जा मेरा बेटा, वो तेरी आ कुंडिया, ओ कुंडा आ मेरा, वो तेरी हो कुंडिया, ऐसी असान कुंडा पाल लिया कार। अस्सलाम वालेकुम, ईद का तीसरा दिन है और हमारा तो काम शाम शुरू हो गया, आपका तीसरा दूसरा तीसरा, चलें जो भी है एनी हो। आपको सबसे पहले मैं एक चीज दिखाऊं, मेरी नजर पड़ी है बाहर खिड़की के बीच में, ये देखें एक फ्रूट का दरख्त लगा हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल हमारे बाहर, ये देखें जी माशाल्लाह, ये जिस तरह आलू बुखारा होता है ना उस तरह के ये फ्रूट है। मुझे एक दो बंदे ने पूछा था स्लोवाकिया के बारे में कि यहाँ पे एजुकेशन का क्या सिस्टम है और अगर कोई बंदा स्टडी बेस पे आना चाहे तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैंने एक अपने दोस्त से बात की थी, वो यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट है और वो जो है कह रहा था कि वो मेरी वीडियो में उससे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थारोली एक वीडियो उसके साथ बनाऊंगा जिसमें टोटली स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। इंग्लिश में भी इनकी कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एसटीयू है, इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारी ब्रजलावा कैपिटल सिटी के अंदर हैं, इसके अलावा कुशित्से सिटी है उसके अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वॉल कटाने वाले हुए इन्हें करवाते हैं, ईद गुजर गई है। अच्छा तो मैं कह रहा था यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यहाँ पे जो फीसिस हैं वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। कंपैरेटिवली यूरोप की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे एजुकेशन पेड है उनसे यहाँ पे बहुत चीप है। इंग्लैंड से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मेडिकल के लिए आते हैं क्योंकि इंग्लैंड में तकरीबन 15,000 pounds है मेरा हाला साल की फीस, तो यहाँ पे साल की जो मेडिकल की फीस है वो 9,000 euro है, इसलिए बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पे मेडिकल पढ़ने के लिए आते हैं। एक एंट्री लेवल टेस्ट होता है उसका, वो कोई इतना इशू नहीं होता। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे तकरीबन इंजीनियरिंग की है 3,500 euro, 3,500 to 4,000 euro साल की फीस है इंजीनियरिंग की। बहुत सारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेगाट्रॉनिक्स, जो उनसी मर्जी आप एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में या जो भी आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा जो रेगुलर स्टडीज़ होती हैं, जो कोर्सेज होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर हैं कोर्सेज, उनकी फ़ीस मास्टर डिग्री के अंदर 1500 euro साल की फ़ीस है। दो साल की डिग्री होगी मास्टर्स की तो उसमें आपकी 1500 to 1500, 3,000 euro। स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त है यहाँ पे, वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या था, हाँ वीज़ा प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस के लिए ये है कि सलवा की डायरेक्ट एम्बेसी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, नियरेस्ट एम्बेसी जो ईरान के अंदर पड़ती है। आप जब यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपका वो एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह इशू हो जाता है, तो उसके बाद आप जो हैं वो नियरेस्ट एम्बेसी में जाते हैं। ईरान में अगर आप नहीं जा सकते तो आप टर्की का वीज़ा लगवाएं, टर्की में चला जाएं, इन्होंने टर्की में एक्सेप्शन दी है, टर्की में जाके आप डी वीज़ा अप्लाई करें। डी वीज़े से ये होगा कि आपको राइट अवे विद इन 1 to 2 weeks आपको वीज़ा इशू हो जाएगा और आप उस वीज़े पे ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर आप अपना रेजिडेंस परमिट वगैरह अप्लाई कर लेंगे और यूनिवर्सिटी का भी ये वो एक्स वाई जेड जो भी आपका आगे प्रोसेस होगा। लोगों को अभी बहुत सारे लोगों को बल्कि पता ही नहीं है लोगों को पाकिस्तान में यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। वीज़ा रेशो 99.9% सो फॉर जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अप्लाई किया है। अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा हो तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ब्रतिस्लावा, ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसके अंदर आपने एमसीक्यूज टाइप है फॉर फी रिलेटेड टू द स्टडी, आप मतलब फी से रिलेटेड आप इस पे जाके देखें तो आपको यहाँ पे जो है ना सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे अगर क्लियर नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट इन इंग्लिश 1500, फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम इन फाइनेंस बैंकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंग्लिश 1500, वही जो मैं बता रहा था। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे अगर पढ़ने के लिए आना चाहते हैं।
अपने व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ. दुआ में याद रखिएगा. अगेन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. शेयर कर दीजिएगा. शेयर करने से मतलब एक क्लिक है और उसके बाद आपके शेयर करने से मेरे चैनल को बेनिफिट होगा आपकी हेल्प के साथ. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बंदे वीडियोस को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको आगे शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप उसको शेयर करना चाहें. और स्टडी से रिलेटेड अगर किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो कमेंट्स में लिख सकता है. जहाँ पे अगर वो वाकई सीरियस हैं तो उनको फर्दर मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ जो मेरे से हो सकेगा इंशाल्लाह. मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म की मुझे कोई किसी किस्म की कोई लालच नहीं है. मैं आप लोगों की हेल्प इंशाल्लाह करूँगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.